चैत्र नवरात्र की पंचमी को निगम भिलाई के महापौर और आयुक्त शीतला तालाब सुपेरा पहुंचे। पहले उन्होंने मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर तालाब का निरीक्षण कर तालाब का शीघ्र अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराने वार्ड पार्षद को आश्वस्त किया। मां दुर्गा की नवरात्रि चल रही है और आज पंचमी तिथि के रोज नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल और आयुक्त रोहित व्यास भिलाई के सबसे प्राचीन मंदिर मां शीतला माता मंदिर शक्ति धाम सुपेला पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से मां शीतला की पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में जलाए गए ज्योति कलशों के दर्शन किए। तत्पश्चात वार्ड पार्षद से चर्चा के दौरान मां शीतला माता के तालाब के सौंदर्यकरण के रुके हुए कार्य को युद्ध स्तर पर आरंभ करने का आश्वासन दिया गया और वार्ड की जनता को आश्वस्त किया गया कि बहुत ही जल्द यह शीतला तालाब अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नवरात्र अभी चल रहे हैं, आज पंचमी का दिन है। मैं आज सुपेला के इस प्राचीनतम, हमारे इस भिलाई नगर निगम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है माँ शीतला का, जो इस तालाब की स्वयंभू माता की मूर्ति यहाँ स्थापित है, मैं दर्शन करने आया था। मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष, वार्ड के पार्षद, हमारे नगर निगम के आयुक्त, हम लोगों ने माता के दर्शन किए, पूजा आराधना की है और अपने शहर के लिए, अपने नगरवासियों के लिए सब शुभ मांगा है। माँ का आशीर्वाद रहे, हमारा शहर को माँ का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, हम लोगों के विघ्न वो दूर करें और हम लोग निरंतर तरक्की करते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ पूरे शहर को मैं नवरात्र की बधाई देना चाहता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी विशेष कृपा हमारे शहरवासियों पर, हमारे प्रदेशवासियों पर रहे। ये शीतला तालाब का काम एक लंबे समय से लंबित है, समझ नहीं आ रहा है कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। मंदिर प्रांगण में भी कुछ कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, उसके लिए जो तालाब को निविदा तालाब को लेकर एक निविदा हुई थी, जो उसमें काफ़ी समय हो गया है। पिछले दिनों भी वो जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई हमने की थी और उसको ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया में हम लोगों ने जारी की थी, लेकिन उसने लिखित में माफ़ीनामा दिया था कि मैं बहुत जल्द इस तालाब को पूरा कर दूंगा। आज आयुक्त महोदय और मेरा यहाँ आने के पीछे एक कारण ये भी था कि हम ये देख सकें कि कितना काम बचा है और अभी जो स्थिति है, कल हम देख के जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें निश्चित रूप से ठेकेदार पर करेंगे। महापौर जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी मुकेश चंद्राकर जी दोनों यहाँ आज निरीक्षण करने के लिए श्री शीतला तालाब शक्ति धाम में पहुँचे हुए थे और जो ठेकेदार जिसके द्वारा यहाँ पर निविदा भरी गई थी, उसके द्वारा जो कार्य श्री शीतला मंदिर का तालाब का जो किया जा रहा है सौंदर्यीकरण का कार्य, वो बहुत काफ़ी विलंब कर चुका है और उसको एक बार मौका दिया गया था, लेकिन एक माफ़ीनामा लिखित उनके द्वारा दी गई थी कि मुझे एक बार क्षमा कीजिए, मैं बहुत अविलंब इनको इस तालाब का सौंदर्यीकरण कर दूंगा, लेकिन उन्होंने बार बार हमको धोखा दिया है, बार बार यहाँ के लोगों को धोखा देने में उनका अपनी कमी नहीं किया, लेकिन आज हमारे महापौर जी ने यहाँ घोषणा की कि तत्काल इस तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है। अगर ठेकेदार जी लगातार विलंब कर रहे हैं तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और रीटेंडर करा के जो तीव्र गति से काम कर सके, तालाब का सौंदर्यीकरण कर सके, उनको यह कार्य दिया जाएगा। गौरतलब है कि शीतला मंदिर तालाब का कार्य काफी लंबे समय से रुका हुआ है, जिसके चलते पूर्व में इस तालाब का कार्य करने वाले ठेकेदार को अब ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी भी की जा रही है और नए सिरे से नए ठेकेदार से इस तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य करवाया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।